बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाइन्थ क्लास फिजिक्स, चैप्टर नंबर टू काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर 20। लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया था स्केलर्स और वेक्टर्स को, कि स्केलर्स कौन सी क्वांटिटी होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जिनको टोटली तौर पर मैग्नीट्यूड से इजहार किया जाता है जिनका, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ठीक हो गया, और उनका हमने रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी थी, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी थी कि ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कि हरकत के साथ कौन कौन से टर्म्स एसोसिएटेड हैं। हरकत के साथ जो है, जब आप हरकत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप बता रहे होते हैं कि उसमें पोजिशन भी बता रहे होते हैं, लोकेशन भी बता रहे होते हैं, स्पीड भी, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, तो ये मुख्तलिफ टर्म्स आप जो है मोशन के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही होती है, मूविंग बॉडी होती है, तब आप जो है उसमें आप क्या बताते हैं उसको, उसकी मोशन के साथ साथ मतलब ये बता रहे होते हैं कि बॉडी जो है उसका पोजिशन उसकी ये है, उसका एक्सेलरेशन ये है, उसकी वेलोसिटी ये है। ठीक हो गया, एंड सो ऑन। तो ये टर्म्स हैं इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो टर्म है जो मोशन के साथ एसोसिएटेड है वो है पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, इसके नाम से जाहिर है कि आपने किसी भी बॉडी की लोकेशन बतानी है किसी भी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। ठीक हो गया, लोकेशन ऑफ अ प्लेस आर पॉइंट, किसी भी प्लेस, किसी जगह या किसी पॉइंट की लोकेशन किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हवाले का मकाम, मतलब वो आपने हवाला देना है कि वहाँ से वो चीज़ इतनी दूर है और इस सिमत में है। ठीक हो गया, ये होता है रेफरेंस पॉइंट। मिसाल के तौर पर अगर आप एक रूम में, क्लासरूम में बात कर रहे हो कि टीचर की जो चेयर है किस जगह पर लोकेटेड है, तो आप बताएंगे कि उसके लिए आप एक रेफरेंस पॉइंट बता देंगे कि जो भी एंट्रेंस वाला डोर है रूम का, उसके कॉर्नर से 5 कदम पर है और उसकी सिमत जो है कौन सी है, जो सामने वाली जो दरवाजे के सामने वाली जो दीवार उस सिमत में आपने जाना है। ठीक हो गया, तो आप क्या बताएंगे कि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उस पोजीशन की जो है डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बताएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है अपने घर से, अपने होम से स्कूल का जो है आपने बताना है, उसकी लोकेशन बतानी है कि स्कूल किस जगह पर मौजूद है, जैसे दिखाया गया है तो ये लाइन शो कर रही है HS, वो लोकेशन बता देगी कि HS जो है उसकी लाइन की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, उसकी मिकदार है, न्यूमेरिकल वैल्यू के कितने किलोमीटर या मीटर पर फासला है उसका है, और डायरेक्शन जो है उसकी उसे बताएगी इसको। ठीक हो गया, तो किसी भी पोजीशन की लोकेशन या पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन लाजमी होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ठीक हो गया, आगे है दो टर्म्स, मुख्तलिफ टर्म्स हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आमतौर पर जो है आप इनको मिला देते हैं, हालांकि ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, डिस्टेंस एक अलग टर्म है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग टर्म है। ठीक हो गया, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ ऑफ लेंथ, फासले की लंबाई, आपके पास जितना टोटल फासला है लंबाई जो होगी वो क्या कहलाती है उसकी, वो डिस्टेंस कहलाती है। ठीक हो गया, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, मिसाल के तौर पर आपके पास दो पॉइंट है जैसे ए और बी, इनके दरमियान टोटल जो फासला है, फासले की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। जैसे मैंने इसको डायग्राम में डॉटेड लाइन से शो किया गया, ये नुक्ते डॉटेड जो नुक्ते हैं, डॉटेड जो लाइन है ये जो है फासला है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और फासला जो होता है वो क्या होता है, टोटल फासले, टोटल पाथ ऑफ लेंथ होती है। ठीक है, टोटल क्या होती है, पाथ ऑफ लेंथ होती है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट उन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टकट फासला जो होता है, शॉर्टकट। ठीक हो गया, शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जो डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस लाजमी होता है। ठीक हो गया, वो फासला तो होता ही है ना, लेकिन ये पता नहीं कि शॉर्टेस्ट है या लेंथ ही है। अगर लेंथ ही पाथ होगा तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है कि कितनी लंबाई है, और उसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक हो गया, ये तो था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।